दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगले मैच में मुंबई की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा जी। हां, लगातार दो मैचों में दो करारी हार के बाद कोटा नीतम अंबानी का हार्दिक पांड्या पर गुस्सा, रातों रात चीनी घमंडी पांड्या से कप्तानी। रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने का कर डाला है ऐलान। तो आखिरकार हैदराबाद से मिली शर्मनाक हार के बाद कैसे नीतम अंबानी ने सबके सामने हार्दिक पांड्या की जमकर क्लास लगा दी। आखिर अब नीता ने ऐसा क्या कुछ कहा रोहित को दोबारा कप्तान बनाने का ऐलान करते हुए, जिनकी बातों ने तो पूरे आईपीएल जगत में हाहाकार मचा दिया। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस, जिनका नाम ही बड़े बड़े खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था, हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते हैं उस टीम का राज और रुतबा ही खत्म हो गया। केवल दो मैचों में ही हार्दिक पांड्या ने 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को इस खराब हालत में पहुंचा दिया कि हैदराबाद की टीम ने हमारे खिलाफ 277 रन ठोककर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। इससे बुरा और क्या हो सकता था। जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या पहले विवादों में घिरे हुए थे, रोहित से कप्तानी छीनने के बाद हार्दिक के पास एक से बढ़कर एक मुसीबत थी, तो वहीं अब तो इसी कप्तानी के घमंड में चूर हार्दिक पांड्या को एक और झटका मुंबई की मालकिन नीता अंबानी ने दिया और रोहित के चाहने वालों को खुशखबरी सुना दी। जी हां दोस्तों, मैदान में मनमानी करना, अपनी मनमर्जी से खिलाड़ियों को अपमान करना, ऐसे गेंदबाजों को बॉलिंग देना जो कि पहले से ही फिट रहे, सही समय पर जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल न करना, और न जाने ऐसी कितनी गलतियां हैं जो हार्दिक पांड्या ने की है। लेकिन कहते हैं ना, पाप का गला जरूर भरता है, और लगता है कि हार्दिक पांड्या के लिए भी वो समय आ चुका है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को हैदराबाद के खिलाफ इतिहास के सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसने तो फैंस और नीतम अंबानी के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। तो वहीं नीतम अंबानी ने जब मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या को हंसते मुस्कुराते देखा तो मानो वो तो अपना ही आपा खो बैठी। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने हार्दिक पांड्या को खूब लताड़ लगाई थी, सबके सामने ही उन्होंने हार्दिक पांड्या की क्लास लगा दी। तो वहीं अब तो एक लंबी मीटिंग के बाद जब नीता और आकाश अंबानी ने रोहित शर्मा से मुलाकात की, उसने लंबी बातचीत की और अब एक ऐसा फैसला लिया जो मुंबई इंडियंस के भविष्य और हार्दिक पांड्या को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, जिसका खुलासा खुद नीता अंबानी ने किया है। जी हां दोस्तों, नीता अंबानी ने कहा है, हम पहले भी एक साथ दो मैच हारे हैं लेकिन ये हार दिल तोड़ने वाली थी। हमारे खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना। मुझे हार्दिक में ऐसी हासी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि वो हमारी फ्रेंचाइजी में बदलाव लाएंगे, लेकिन इतना खराब कप्तानी वो करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने साफ तौर पर उनसे कह दिया है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह जाएगा। वैसे भी हमारे पास रोहित शर्मा है, जिन्होंने हमें 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया है। मुझे लगा था हार्दिक रोहित के साथ रहकर काफी कुछ सीखेंगे, लेकिन वो तो अपने सीनियर खिलाड़ियों का ही अपमान कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी की मुंबई में कोई जरूरत नहीं है। रोहित कभी भी कप्तानी का पद संभाल सकते हैं, मुझे उन पर बहुत भरोसा है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे नीतम अंबानी तो अब रोहित को दोबारा कप्तान बनाने के लिए तैयार है, जो सही भी है, क्योंकि रोहित के होते हुए कोई और कप्तानी करे ये सौभाग्य किसी को नहीं है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होता है कि मुंबई का मैनेजमेंट क्या फैसला लेता है। लेकिन दोस्तों आप क्या चाहते हैं, रोहित और हार्दिक में किसे मुंबई का कप्तान होना चाहिए? आप किसके साथ हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुजरात के खिलाफ मुंबई की हार के बाद भड़क उठे सूर्य कुमार यादव, मुंबई के खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए दे दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए रोमांचक मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद मुंबई की टीम के महान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का बयान सामने आया है। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने मुंबई के तमाम खिलाड़ियों को धमकाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई और एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार सूर्य कुमार यादव ने गुजरात के खिलाफ मुंबई की हार के बाद क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, आईपीएल 2024 के 5वें मैच में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 6 रन से हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। आपको बता दें, इस मैच में पहली पारी में टॉस हारकर शुभमन गिल के नेतृत्व में गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए, तो वहीं अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इसका पीछा कर मुंबई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गवाकर 162 रन ही बना सकी और मैच को 6 रन से हार गई, जिसके बाद गुजरात की टीम शुभमन गिल की कप्तानी में पहले मैच के अंदर मुंबई के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर पाई है। जिसके बाद अब सूर्य कुमार यादव निराश हो गए और उन्होंने मुंबई की टीम को फटकार लगाते हुए बयान जारी कर दिया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम को गुजरात के खिलाफ इस मैच में जीत नहीं मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि इस मैच में मुंबई की टीम को आसानी से जीत मिल जाएगी, क्योंकि गुजरात की टीम के मुकाबले हमारी मुंबई की टीम के खिलाड़ी काफी ज्यादा बेहतर है और मुंबई की टीम काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मुंबई की टीम की
तरफ से अब गुजरात के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या भी आ चुके हैं। ऐसे में अब गुजरात की टीम को पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है, लेकिन गुजरात की टीम ने हमारी कमर तोड़ने का कार्य इस मैच में किया है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आज हमारी मुंबई की टीम को गुजरात की टीम से हार का सामना करना पड़ गया। हालांकि गुजरात की टीम काफी ज्यादा कमजोर तो नहीं है, लेकिन हमारी मुंबई की टीम के स्टार खिलाड़ियों के सामने गुजरात की टीम कुछ भी नहीं दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी मुंबई की टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, जो किसी और टीम के पास में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा है तो हमारी टीम में ही काफी बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ियों के अलावा सभी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और ब्रेविस के अलावा कोई भी बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो वहीं गेंदबाजी में हमारी टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी बेहतरीन गेंदबाजी नहीं कर पाया। ऐसे में अब हमारी टीम किस प्रकार से किसी टीम के खिलाफ जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि इस मैच में हमारी टीम की जीत बिल्कुल करी थी, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या की खराब रणनीति और इस मैच में काफी चतुर बल्लेबाजी के चलते मुंबई की टीम को गुजरात के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मुंबई की टीम की इस मैच में हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ हार के बाद जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा को दिया अपना अवार्ड। वजह बताते हुए कर दिया सनसनी मचा देने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए इस मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली है मुंबई, जिसके बाद अपनी जसप्रीत बुमराह को शानदार अवार्ड मिला। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा को अवार्ड समर्पित करने के साथ जसप्रीत बुमराह ने एक बयान जारी किया। इस बीच अब उन्होंने इसका खुलासा करते हुए रोहित शर्मा को अवार्ड देने से पीछे की असली वजह बताते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा को अवार्ड देने के बाद क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह में किसका प्रदर्शन इस मैच में मुंबई के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 का पांचवा मैच मुंबई और गुजरात के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के अंदर मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए गुजरात की टीम को 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में रोक दिया और इसका पीछा करने उतरी मुंबई की टीम गुजरात के सामने 162 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई और इस मैच को 6 रन से हार गई, जहां पर मुंबई की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए और ड्रीम 11 गेम चेंजर का अवार्ड अपने नाम किया। जिसके बाद इस अवार्ड को हासिल करने के तुरंत बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने दे दिया और इसका खुलासा करते हुए सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में गुजरात की टीम की तरफ से खेलते हुए सभी खिलाड़ियों को मुंबई की टीम के खिलाफ खराब प्रदर्शन करते हुए देखा है। हालांकि हमारी मुंबई की टीम इस मैच को नहीं जीत पाई है, लेकिन हमारी टीम की तरफ से जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर मैच को रोमांचक बनाया और मैच में जीत के करीब पहुंचने का कार्य किया, साथ में गुजरात की टीम को हराने की पूरी कोशिश की, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। लेकिन हमारी टीम को जीत नहीं मिली है, इसके साथ में निराश भी हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि ये पहले मैच ही था और पहले मैच में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने बता दिया कि कैसे भी टूर्नामेंट के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि इस मैच में मुझे ड्रीम 11 गेम चेंजर का अवार्ड दिया गया, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन मुझे पता है कि आज के बेहतर प्रदर्शन के बाद मुझे कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मुझे पता लग गया था कि मुझे आज कोई ना कोई अवार्ड मिलेगा और उस वजह से मैंने एक बड़ी रणनीति भी तैयार कर ली। इस दौरान मैंने पहले ही मन बना लिया था कि आज मैं अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद मिलने वाले अवार्ड को किसी और खिलाड़ी को समर्पित करूंगा और सौभाग्य की बात यह है कि मेरे बेहतर प्रदर्शन करने के बाद मैंने जो अपना अवार्ड समर्पित करने का मन बनाया था वो और भी ज्यादा खास हो गया, क्योंकि मुझसे बेहतर प्रदर्शन हमारी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया था, जो कि मुंबई की टीम के पूर्व कप्तान है। ऐसे में मुंबई की टीम के लिए उनकी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ और मैंने अपने अवार्ड को रोहित शर्मा को देने का फैसला किया, क्योंकि अगर आज मुंबई और भारतीय टीम के लिए मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बन पाया हूं तो इसके पीछे रोहित शर्मा का हाथ है। ऐसे में अपने कप्तान का सम्मान कर मैंने अपना अवार्ड उन्हें दे दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बुमराह और रोहित शर्मा मुंबई की टीम को इस बार प्लेऑफ में पहुंचा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।